What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Sterlore Family. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं. नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं. अब आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए. अगर आप लोग दुनिया को देखकर अपने फैसले बदल देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में आप लोग कुछ अचीव करना ही नहीं चाहते हैं. आप लोग दुनिया से डर डर कर जीना चाहते हैं. अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि डर डर के जीना है या फिर कर करके जीना है. अपना जो भी काम आप लोगों ने डिसाइड किया है, एक तो उस पर फोकस करना है, दूसरा सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस करना है कि ये लोग क्या सोचेंगे यार, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा यार, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे इसके बारे में. अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं तो जो भी आप लोगों ने अपना गोल बना रखा है उसको आज ही ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कभी अचीव नहीं करने वाले. क्योंकि हर टाइम जब भी कोई फैसला लेना होगा उस गोल से रिलेटेड, आप लोग हमेशा दुनिया के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ना कि उस गोल के बारे में जिसके लिए आप लोग जी रहे हैं. तो अपना आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सी कैटेगरी में आप लोग रहना पसंद करना है. अगर आप लोग यहां पर पहली कैटेगरी में रहते हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, और अगर आप लोग दूसरी कैटेगरी में रहते हैं तो आप लोगों को दुनिया को सलाम करना पड़ेगा. आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग को क्या करना है. काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. जो आज आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर कर्नाटका को जाकर आप लोग देखना है क्या क्या है कर्नाटका में, हमारी कंट्री में क्या क्या स्पेशलिटी है. कल फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे. ये हमारा पैटर्न रहने वाला है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, वोकैबुलरी भी होगी, कई सारी और चीजें इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाली है. टॉप दो इंपॉर्टेंट न्यूज इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं. पहला तो ये इंग्लैंड के द्वारा शानदार तरीके परफॉर्मेंस यहां पर रखते हुए न्यूजीलैंड को हरा दिया गया है वर्ल्ड कप में. तो ये वर्ल्ड कप जो है यहां पर जीत लिया गया है इंग्लैंड के द्वारा, तो ये काफी बड़ी बात है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं. दूसरा एक इतना ही शानदार यहां पर गेम रहा संडे में, ये है नोवाक जोकोविच के द्वारा यहां पर रोजर फेडरर को हरा दिया गया है. और ये इनको जो हराया गया है यहां पर, ये काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, बहुत शानदार मैच यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला. यहां पर ये फिफ्थ विंबलडन इनके द्वारा टाइटल जीता गया है और 16वां इनके द्वारा मेजर टाइटल है यहां पर जो कि रोजर फेडरर को हराकर जीता गया है. एक रोजर फेडरर को भी अगर आप लोग माने तो एक तरीके से बादशाह आप लोग बोल सकते हैं, पर्टिकुलर इस तरीके से जिस एज में वो हैं आज के डेट में, और आज के डेट में भी इतने शानदार तरीके से जो उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है. तो हारने के बावजूद भी एक सल्यूट करने का मन करता है एक ऐसे इंसान को, यानी कि अपनी एज को पीछे छोड़कर आज की डेट में भी इस गेम में इतने शानदार तरीके से यंग प्लेयर को जिस तरीके से चुनौती दी जाती है, ये अपने आप में एक तरीके से मोटिवेशन का रीजन बन जाता है. तो दोनों इंपॉर्टेंट है. यहां पर बात की जा रही है विंबलडन की और यहां पर वर्ल्ड कप की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है. आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताया अच्छे दिन की बात की जा रही है. यहां पर आज हमारी कंट्री में चंद्रयान सेकंड छोड़ा जाएगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं. जो भी छोटी छोटी बातें आप लोगों को सारी पता होनी चाहिए, उसमें हम लोगों ने डिस्कस की है. और हां, एक बच्चे ने बोला कि सर वो आर्टिकल कहां गया जो आपको आपने बोला था डिस्कस करूंगा. आप लोगों का संडे में जो न्यूज़पेपर आया उसमें एक नेहरू जी से रिलेटेड आर्टिकल था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोग उसको देख सकते हैं. जिस किसी ने नहीं देखा, मैंने पहले बोला था अगर कोई भी आर्टिकल आप लोगों का छूट जाएगा तो मैं किसी न किसी दिन जरूर कवर करूंगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए. वो संडे में आप लोगों का आर्टिकल डिस्कस हो गया है. ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है. लेक्चर की पीडीएफ आप लोग फेसबुक से या फिर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं किस पोजीशन पर हम लोग खड़े हैं और कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है. फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा. इकोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या कंडीशन आज के डेट में बन रही है, जैसा सूखा आ रहा है कई जगह पर, कई जगह बाढ़ आ रही है, तो इसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे. फिर से कर्नाटका की पॉलिटिक्स है, आप लोगों को प्रॉब्लम वहां पर कर्नाटका में देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा वहां पर अपना रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, कुछ यहां पर टूटकर इधर उधर जा रहे हैं, तो वो जो फंडा यहां पर चल रहा है दो राज्य में हमारी कंट्री के, गोवा और कर्नाटका में, ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है. और यहां पर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी कंट्री में लाया गया था, क्या वो ढंग से काम कर रहा है, क्या आज की डेट में हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को आप लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे पॉइंट भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो हल्का सा इसके बारे में अपना आइडिया जरूर क्रिएट कीजिएगा अगर एक दो पॉइंट आप लोगों को लिखने को मिल जाए यहां पर. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों को याद होगा, मॉर्निंग में भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था. कई सारे क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन वाली वीडियो में मैं डिस्कस करा रहा हूं अलग अलग एंगल से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में न छूटे, तो प्रैक्टिस जरूर करते ही. नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये वाला आर्टिकल, ये इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ जस्टिस
जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या बातें हैं इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे और क्या क्या कंडीशन आज के डेट में बनी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको लेकर, वो भी हम लोग देखेंगे। सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसको देखेंगे हम लोग। कई सारी यहाँ पर बातें इसके बारे में बोली जा रही है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, आखिर क्यों नहीं है वो भी कंडीशन यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये किताब के बारे में बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही रिलाई रहना ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। ये मंडे को आर्टिकल आता है, जो भी यहां पर लेटर लिखते हैं एडिटर को उनको ये रिप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहां पर आर्टिकल 15 जो अभी आप लोगों को मूवी देखने को मिली तो उसी के बारे में हल्का सा आइडिया है यहां पर, तो इसके ऊपर भी हल्का सा नजर डालेंगे। ये डेटा है, इसके बारे में देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये जो फर्स्ट आर्टिकल यहां पर है ये कोंगो के बारे में बात की जा रही है। कोंगो में रिसेंटली अभी यहां पर ये एक इंसान है, इनके आप लोग पिक्चर देखिए तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे, इनका नाम है बोस्को नटागंडा। ये यहाँ पर कोंगो के अंदर काफी लार्ज स्केल पर इनकी वजह से जो पोलम देखने को मिली वो बिल्कुल एक तरीके से इंसानों वाली पोलम रही थी। इनका नाम भी यहाँ पर बोला गया है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब होता है सब कुछ खत्म कर देने वाला, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर किया गया। बच्चों के यहाँ पर रेप किया गया, बहुत सारे बच्चों को मारा भी गया, इसी के साथ में छोटे छोटे बच्चों को आर्मी में अपनी जो फौज है उसमें इनको रखने की कोशिश की गई, नरसंहार किया गया काफी लार्ज स्केल पर। और एक पर्टिकुलर माइनिंग वाला एरिया है यहाँ पर, इसमें काफी दबदबा इसका रहा, यह इतुरी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कोंगो रिवर भी है, ये कोंगो रिवर याद रखिएगा एक ऐसी लोती रिवर है जो कि इक्वेटर को दो बार कट करती है, ठीक है। तो ये कोंगो रिवर के बारे में ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखना चाहते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग ये देखिए कोंगो, ये हो गया कोंगो अफ्रीका के अंदर। तो यहां पर अभी डिसीजन जो आया निकलकर, ये डिसीजन आया इसको पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ये कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए खतरा है और इसके लिए जो केस अभी यहां पर जो चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसका डिसीजन यहां पर सुनाया जाएगा आने वाले टाइम में। इसके द्वारा काफी बड़ा नरसंहार किया गया एक तरीके से 2002-03 की बात की जाए, और काफी लार्ज स्केल पर यहां पर लोग इसकी वजह से एक तरीके से वो नहीं कहते कि खोप बैठ गया माइंड में, तो अब उसी का डिसीजन यहां पर आने वाला है। तो आर्टिकल में राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये केस चल रहा है, और भी बहुत सारी कंट्री में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं एक अलग रवैया रहता है यहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जहां पर ये दबदबा दिखाना चाहता है वहां पर तो दबदबा दिखा लेता है, पर लेकिन जहां पर इसका दबदबा नहीं चलता है वहां पर इसके बारे में ये कोई बात ही नहीं करता है। तो इस तरीके से अगर बात करें यहां पर ये सही तरीका नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन लेने का, और यहां पर एक तरीके से जो कंट्री कमजोर है उनको तो ये एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर लेकिन जो कंट्री ताकतवर है जो इसके बारे में नहीं सुनना चाहती वो यहां पर इसकी सुनती नहीं है और अपने हिसाब से अपनी कंट्री को अपने डिसीजन के हिसाब से चलाती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर हेग में आप लोगों को देखने को मिलेगा नीदरलैंड में। इसका जो गठन किया गया था 1988 में, इसका गठन किया गया था वो 1998 में, और यहां पर टोटल मिलाकर 6 लैंग्वेज बोली जाती है जो कि इसमें यूज की जाती है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये जो है बेसिकली आप लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है अगर कहीं पर भी कोई ह्यूमैनिटी के खिलाफ कोई वॉर क्राइम किया जाता है, जिनोसाइड किया जाता है लार्ज स्केल पर, यानी कि लोगों को मार दिया जाता है, तो उस टाइम पर यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर उसके खिलाफ ये केस चलता है। पर लेकिन कंडीशन यहां पर ये निकल के आती है कि आखिर क्यों अफ्रीका के खिलाफ यहां पर केस चलते हैं। रीजन ये है कि देखिए अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैक्सिमम ये देखने को मिलती है, अगर एक बार कोई पावर में आ जाता है तो वहां पर पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अफ्रीका में ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिलती है कि नॉर्मल ट्रांजिशन पावर का नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। और इसी के साथ में अगर यहां पर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से दबदबा भी रखने की कोशिश की जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा। दूसरी कंट्री अगर आप लोग देखेंगे सीरिया, इराक में पता नहीं कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है, कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता, वहां भी तो लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल के बारे में कोई बात नहीं करता, कितने सारे लोग इसराइल में मारे जाते हैं। तो यहीं पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी कंट्रियां रिसेंटली जिनके द्वारा इसको क्विट भी कर दिया गया है, यानी कि इस कोर्ट को यहां पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ यहां पर काम कर रहा है ये पर्टिकुलर कोर्ट। तो इसके बारे में भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि यहां कौन कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा अभी इसको छोड़ा गया है, तो उनको आप लोग मैप में एक बार देख लीजिए, यहां पर ये आप लोग देख पाएंगे। एक तो है यहां पर ब्रूंदी, थोड़ा सा यहां पर जूम कर लेते हैं इसको, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो है ब्रूंदी और एक है थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिलीपीन। तो इन दो कंट्री के द्वारा रिसेंटली यहां पर इसको छोड़ा गया और बोला गया कि ये एक तरीके से पार्शियल तरीके से काम करता है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, इसके कंपेयर में आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए भी यहां पर इसकी बात की जाती है। अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में,
थोड़ा सा हमारी कंट्री इसके इसका पार्ट आज के डेट में नहीं है, ठीक है, तो ब्रूंदी और फिलिपिन के द्वारा छोड़ा गया है और इसकी 75वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन की। तो कहीं ना कहीं देखिए अब कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, यूएन की बात कर लीजिए और यहां पर इसकी भी बात कर लीजिए, तो यहां पर कई बार इनमें रिफॉर्म की बात की जाती है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पर भी जाकर ये एंटर कर देते हैं, तो रूल बेस्ड जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको भी कई बार एक तरीके से अंडरमाइन यहां पर किया जाता है, तो उसके बारे में सोचने की बात की जा रही है। इंडिया के बारे में पूछा जाए तो इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है, हमारी कंट्री में खुद के ही ऐसे रूल और रेगुलेशन है, खुद के ऐसे लॉ है कि जो भी यहां पर बातें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो सारी ऑलरेडी हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड लॉ बने हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी सॉवरेनिटी को कोई हट करे, इंटरनल हमारी कंट्री के बारे में कोई कमेंट करे, तो इसलिए इंडिया इसका आज के डेट में पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है ये बात कर रहा है आज के डेट में जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात की जा रही है। क्लाइमेट चेंज वर्ड काफी यूज आप लोग करते हैं नॉर्मली, तो एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर जो इंसानों की जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, अपने प्रॉफिट अपने फायदे के लिए इस लेवल पर यहां पर चीजें पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचते हैं तो आप लोगों को बताया इनडायरेक्ट वे में हम लोग अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बेसिकली जो फंडा है वो यही है कि आप लोग कैसे इसको टैकल करके चलेंगे, तो इसके बारे में कई सारी चेतावनी इस आर्टिकल में दी गई है। आप लोगों को अभी रिसेंटली पता है कि बिहार में भी बाढ़ है, इसी के साथ में आसाम में भी काफी लार्ज स्केल पर बाढ़ देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में एक टाइम पर सूखा कुछ दिनों पहले अभी सुनने को आ रहा था कि कुछ मध्य प्रदेश वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, राजस्थान वाले रीजन में जगह जगह पर सूखे की बातें सुनने को मिल रही थी। अब दूसरी साइड में जगह जगह आप लोगों को जैसे ही मॉनसून आता है बाढ़ की बातें सुनने को मिलने लगती है। हम लोग आखिर क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, क्यों? क्योंकि हम लोग सिचुएशन को एक तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से देखते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो बैठ जाते हैं रोने के लिए, पर लेकिन अगर प्रॉपर वे में देखा जाए पता है पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आनी ही आने वाली है, एक रिवर में ये प्रॉब्लम होने ही होने वाली है, तो अब तक का उनको टैकल क्यों नहीं किया गया है? चाइना में ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर रिवर थी वहां पर बहुत लार्ज स्केल पर बाढ़ आया करती थी, उसके ऊपर शानदार तरीके का बांध बना दिया और आज के डेट में जो शोक का रीजन बना हुआ था वो आज के डेट में वहां पर जोए का रीजन बना हुआ है, यानी कि खुशी का रीजन बना हुआ है। वो आस पास वाले रीजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, मछली पालन किया जाता है, इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वही रिवर जो कि उस टाइम पर वहां पर काफी लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचाता था, तो इसके बारे में सोचकर चलना पड़ेगा। यहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं, इसके द्वारा साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी यहां पर अभी रिसेंटली 2015 में चेन्नई में जो बाढ़ देखने को मिली थी वो सीधी सीधी ये है कि यहां पर मैन मेड डिजास्टर है, यानी कि वो एक नेचुरल, आप लोग नहीं बोल सकते यहां पर कि नेचुरल तरीके की प्रॉब्लम है, वो एक इंसानों के द्वारा बनाया गया डिजास्टर है, क्योंकि लेक और रिवर जो है आज के डेट में वो खत्म होती जा रही है। आज की डेट में इंडिया में आप लोग बोल सकते हैं जो कि सिक्स लार्जेस्ट सिटी है वहां पे लार्ज स्केल पर ये सिचुएशन है, और जहां बड़ी बड़ी सिटी है हर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बात बोली गई अपनी रिपोर्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। केक जो है हमारे संविधान में ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये ऑडिट करता है यहां पर क्या क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के या फिर स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148 हमारे संविधान में ये केक से रिलेटेड है, तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें चेन्नई के बारे में, अभी चेन्नई में 2015 में बाढ़ देखने को मिली और 2019 में यहां पर क्राइसिस आ गया, ट्रेन भेजनी पड़ रही है पानी के लिए, तो समझ रहे हैं आप लोग, एक टाइम पे बाढ़ तो दूसरी टाइम पे यहां पर सूखा, तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। अगर कहीं पर ट्रैफिक लगा रहता है सड़क पर तो आप लोग उसको समझ पाते हैं कि भैया यहां पर ट्रैफिक रोड में यहां पर हम लोग फंसे हुए हैं वो दिखता है, पर लेकिन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नॉर्मली नहीं दिखाई देता जल्दी से, पर लेकिन जब दिखाई देने लगता है उस टाइम पर फिर ऐसे ही दिखता है कि लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं कि अब यहां से कैसे निकलना है, एक कहर की तरीके से यहां पर ये बरसता है लोगों के ऊपर, और वही कंडीशन देखने को मिल रही है, एक टाइम पर बाढ़ तो दूसरे टाइम पर सूखा। इस लगभग बोला जा रहा है कि 30 से करीब वाटर बॉडीज पास्ट सेंचुरी में यहां पर खत्म हो चुकी है चेन्नई के अंदर से, यानी कि जो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि तालाब जो हुआ करते थे, लेक जो हुआ करती थी, वो सूखती जा रही है। आप लोगों को बेंगलुरु में पता होगा बहुत सारी लेक ऐसी है बेंगलुरु के अंदर आज के में जहां पर आग लग जाती है, समझ रहे हैं आप लोग, लेक के अंदर आग लग जाती है, इतना ज्यादा केमिकल वहां पर भर चुका है। एक साइड में हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जो रिवर है, नदियां हैं, उनको हम लोग गंगा माता बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी साइड में ये इतनी पॉल्यूटेड है कि दूसरी कंट्री के साथ में कंपेयर भी आप लोग करेंगे जो माता भी नहीं बोलते हैं वो हमारे से ज्यादा सुरक्षित उनको रखते हैं, यानी कि नाम भी हम लोग अपनी माता और इनके नाम पे देते हैं
भगवानों के नाम पर, गॉड के, अल्लाह के नाम पर, ये सारी चीजें आप लोग कनेक्ट करके रखते हैं, पर लेकिन फिर भी हम लोग इनको साफ नहीं रख पाते हैं। ये किस तरीके की हमारी कंट्री में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो कहने का मतलब यह कि सेल्फिश जो निकल कर आ रही है चीजें, ये यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर बात करें अर्बनाइजेशन के बारे में, यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी कंट्री में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, उसका कोई और थ्योरी नहीं है। यानी कि ये नहीं सोचा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन के लिए क्या हम लोग इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो अपने 5 साल गुजार रही है और चली जा रही है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड रखकर यहां पर ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे स्मार्ट सिटी के, पर लेकिन वो बोलने के लिए स्मार्ट रह गए, अभी तक लगभग कहीं पर उसको ढंग से ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि हम लोग बोल सके कि हाँ यहां पर सारी चीजें स्मार्ट हो चुकी है। यानी कि पानी की अच्छी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी फैसिलिटी है, स्मार्ट पुलिसिंग वहां पर हो चुकी है, कोई क्राइम नहीं हो रहा है वहां पर, वो क्रिमिनल एक्टिविटी काफी कम हो चुकी है, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर एक ये निकल के आती है कि जो रूल और रेगुलेशन बनाते हैं वही इनको डिस्ट्रॉय करते हुए भी नजर आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। जो यहां पर आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ओनली पैन इंडिया नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यानी कि ये सूखे की प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में बोला गया कि 15 लेक अपनी जो अस्तित्व है वो खो चुकी है, अगर बात करें पास्ट 5 सालों के अंदर अंदर। हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस भी यहां पर जारी किया गया था बृहत बेंगलुरु, ये है महानगर पालिका को, पर लेकिन यहां पर उसका जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए था वो यहां पर नहीं देख रहा है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेक से लेवल से नहीं यहां पर की जा रही है। इवन यहां तक हो रहा है कि जो लेक वगैरह सूख जा रही है वहां पर बस स्टैंड बना दे रहे हैं, स्टेडियम बना दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन तो यह है कि वहां पर कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस बना देते हैं, वो ऑफिस बनाया जाता है जो इस सिचुएशन को रोकने के लिए यहां पर माना जाता है, उसी का ऑफिस यहां पर बना दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग कि कहां पर खेल रहे हैं। तो ये कंडीशन यहां पर इतनी ज्यादा खतरनाक हो रही है और लोग यहां पर इसके ऊपर फोकस देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी के साथ में यहां पर एक सीख लेने की बात की जा रही है तेलंगाना से। तेलंगाना ने मिशन काकतिया ये स्टार्ट किया है, जो कि काकतिया डेनिस्टी थी उसके बेस पर यहां पर रिस्टोर करने की बात की जा रही है, जो पुराने टैंक है यहां पर माइनर इरीगेशन जो सोर्सेज है, ताकि फिर से वो हरे भरे बनाए जा सके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मिशन कौन सा है, ये है मिशन काकतिया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, किससे कनेक्टेड है, तो काकतिया डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकता है। अब अगर बात करें यहां पर हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद देखिए जिस तरीके से अभी बात कर रही है, ये यहां पर हाइड्रोलिक मॉडल के ऊपर काम करने की बात कर रही है। इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आने वाले टाइम में इसको कहीं ना कहीं जो भी एरिया खासकर अंडर डेवलप्ड है वहां पर एक्सेसिबल वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी के साथ में जो वाटर टेबल है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है जहां से हम लोग अपनी ट्यूबवेल से या फिर नल के थ्रू पानी निकालते हैं, उसको भी रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हम लोग यहां पर चेन्नई में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसा कि हैदराबाद में किया जा रहा है या फिर अलग एरिया में किया जा रहा है? तो एक दूसरे से सीखकर हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिएगा, अपना सपना मनी मनी, यानी कि पैसा चाहिएगा। पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप लोग CSR बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक एक्सपेंडिचर का मॉडल आप लोगों को लाना पड़ेगा, मिलकर आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। सेम पैटर्न में आप लोग जो भी एरिया है वहां पर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा शानदार मॉडल यहां पर, यह कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन यहां पर स्कीम। ये जो स्कीम है यहां पर, ये बेसिक प्रोजेक्ट यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया से पानी को लिफ्ट कर दूसरे एरिया में पहुंचाया जा रहा है जहां पर स्कार एरिया है, यानी कि जहां पर पानी की कमी है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट फंडिंग के बेस पर, और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इस पानी को। तो ये कई सारे यहां पर सजेशन भी दिए गए हैं। अब देखिए अगर आगे अभी नहीं सुधरे तो क्या क्या प्रॉब्लम निकल सकती है। आने वाले टाइम में 2050 में ये बोला गया कि लगभग हाफ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो सिटीज में रहना स्टार्ट करेगी, यानी कि शहरीकरण यहां पर होता हुआ नजर जाएगा। आज की डेट की जनरेशन को ये सिटी झेल नहीं पा रही है, आप लोग को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आगे आने वाली जो हाफ से ज्यादा जो पॉपुलेशन यहां पर आ जाएगी तो उसको कैसे झेलेंगे, सूखा रहता है, पानी मिल नहीं पाता है, कई बार आप लोगों को नलों में पानी देखने को नहीं मिलता है, कई बार बाढ़ आ जाती है उसका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, अर्थक्वेक आ जाए तो जरा सी देर में कई सारी जो मंजिलें हैं वो ढेर हो जाती हैं, उनको ढंग से वेरीफाई करके वहां पर नहीं बनाया गया है। इसी के साथ में फ्रेश वाटर जो पीने का पानी है उसके लिए भी आप लोगों को यहां पर वॉर लड़ना पड़ता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो किस तरीके से सिचुएशन को यहां पर सुधारा जाए, तो जो सजेशन दिए गए उनके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, वरना जो अभी प्रॉब्लम यहां पर चेन्नई और केरला में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली उसकी वजह से जो हुआ, तो इसके लिए किसी बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को अलार्म के लिए। यह इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा यहां पर कि आप लोग खुद इसको संभाल नहीं पाओगे, यानी कहने का मतलब यह न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, खुद ही आप लोग आज के में एक ऐसे बॉम्ब पर बैठे हुए हैं वो पता नहीं कब फट जाए। और आने वाली जनरेशन तो दूर की बात है, अपनी खुद की जनरेशन के लिए आप लोग सिचुएशन को न संभाल पाओ।
तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर, ये लिखा गया कलव कुंतला कविता, ये यहाँ पर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसके बारे में यहाँ पर आइडिया लिख सकते हैं किस तरीके से इसके साथ में सुलझा जाए, कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या क्या एरिया में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप लोग ये बताइए कि जो वोटर की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये हमारे संविधान में इसके बारे में कहाँ पर बात की गई है, स्टेट लिस्ट में बात की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट में बात की गई है, या फिर सेंट्रल लिस्ट में बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग, काफी शानदार आर्टिकल यहां पर है, ये पेपर सेकंड और थर्ड में आप लोग काफी फायदा पहुंचा सकता है। और लिखा भी गया हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एम के नारायण जी के द्वारा, शानदार आर्टिकल लिखते हैं काफी डिटेल में, यहां पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाती है। बोला जा रहा है लूमिंग चैलेंजेस टू इंडिया ये स्टैंडिंग, क्या क्या आज के में हमारी कंट्री के सामने चैलेंजेस हैं, खासकर जियो पोलिटिकल क्या क्या चैलेंज है और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैलेंज है, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है, यानी कि आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन लिखेगा, एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी आप लोगों को करना है, तो ये आप लोग काफी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप लोग आर्टिकल को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है ओसाका में अभी G20 की मीटिंग हुई, देखिए अच्छी बात क्या है डेली आर्टिकल सुनने की, अच्छी बात यहां पर यह ओसाका जापान G20 के बारे में इतनी बार बोल चुका हूं, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले अगर कोई कि G20 की रिसेंट मीटिंग अभी कहां पर हुई, तो ओसाका में। क्वेश्चन वाली वीडियो में क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करा चुका हूं, रिविजन जो क्वेश्चन की वीकेंड में भी वीडियो आई थी जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें भी आप लोगों के कई सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर ये जो तीनों वीडियो आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं तो इतनी बार आप लोगों को यहां पर रिविजन हो जाएगा, साथ साथ में कि एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आंसर दे देंगे। तो ये कोशिश ये कीजिए कि आप लोग ये जो करंट अफेयर का ये जो जिस्ट आप लोगों का ये आप लोग तीनों वीडियो को अच्छे से फॉलो कर चलिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को ऐसा लगे कि वाह यार ये तो कुछ है ही नहीं है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को हलवा लगे, वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग रेगुलर बने हुए हैं और चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आंसर भी लिखने की कोशिश कीजिए। एक बार किसी चीज को लिख लेते हैं तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सिचुएशन को हैंडल करके चल पाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसके बारे में फोकस देने की। तो G20 मीटिंग ओसाका जापान में देखने को मिली, हमारी कंट्री के जनरल इलेक्शन भी रिसेंटली अभी हुए, तो जो नया अभी यहां पर टर्म मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, अब किस तरीके से उनके सामने जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो उसको कैसे लेकर चलेंगे, किस तरीके सिचुएशन को हैंडल करके चलेंगे, अगर वो सोच रहे हैं कि जैसी सिचुएशन पहले थी ऐसी सिचुएशन अब भी बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी कंट्री की जो सिचुएशन है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले नहीं है। ब्रिक की इनफॉर्मल समिट भी यहां पर देखने को मिली इनडायरेक्ट तरीके से ओसाका में, जो ब्रिक कंट्री है यानी कि जो ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये कंट्री भी यहां पर अभी मिलती हुई नजर आई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यहां पर जो ग्लोबल टेररिज्म, इनके ऊपर काफी फोकस किया गया, क्योंकि यूएसए और चाइना और यूएसए और ईरान और भी कई सारी कंट्री को लेकर ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो सिचुएशन को संभालने के बारे में भी कई बार बात यहां पर करने की देखने को मिलती है। इसी के साथ में काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी फोकस दिया गया, क्लाइमेट चेंज के इश्यू को भी यहां पर उठाया गया, खासकर चाइना के प्रेसिडेंट और इसी के साथ में रसिया के जो प्रेसिडेंट है दोनों के साथ में, सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ में, ट्राइलेटरल इशू के साथ में भी डिस्कस किया गया, जापान इंडिया यूएसए के साथ में ट्राइलेटरल ग्रुप के बारे में बात की गई कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, इसी के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में फोकस दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी फ्यूचर डिस्कस किया गया, इंडो और यूएस के रिलेशन क्या हो सकते हैं, आप लोगों को पता है इंडिया और यूएस के रिलेशन कई सारी बातों पर आज के में टिके हुए हैं। ई कॉमर्स जो कंपनी है वो हमारी कंट्री में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर खुश नहीं है, हमारी कंट्री में जो अलग अलग तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है उनके ऊपर यूएसए हमारी कंट्री में खुश नहीं है, वो चाहता है कि उनके डेयरी प्रोडक्ट आसानी से अलाउ कर दिए जाए। 5G टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं, तो यूएसए चाहता है कि चाइना के साथ में हम लोग मिलकर हवाई कंपनी के साथ में काम न करें, S-400 सिस्टम हम लोग रशिया का न खरीदे। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो हमारे और यूएसए के बीच में भी हैं। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ये काफी इंपॉर्टेंट पर मुद्दा है, जो कि कुछ प्रोडक्ट को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है कि उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है, तो ये भी यहां पर यूएसए ने अभी बहुत सारे प्रोडक्ट से हमारा छीन लिया है, तो इसकी वजह से हमारा जो आज के आने वाले टाइम में ट्रेड है यूएसए के लिए और यहां पर महंगा हो जाएगा और हमारा ट्रेड आप लोग बोल सकते हैं कम होगा यहां पर, यानी कि एक्सपोर्ट कम होगा। तो ये तमाम मुद्दे आज के में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये पहले हो सकता था कि आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग पहले बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी, हम लोग उसको बोलते थे कि फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि यूएसए के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं और रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी, पर आज की डेट में सिचुएशन एग्जिस्ट ऐसी नहीं करती है कि तीनों को आप लोग आसानी से साथ में लेकर चल पाओगे। आज की डेट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो यहां पर चेंज हो चुका है, बहुत सारे हर्डल नए आ चुके हैं आज की डेट में, और आज की डेट में अगर आप लोग उस सिचुएशन को माइंड में रखकर आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को ही एक ऐसे ट्रिबुलेंस में डाल रहे हैं कि आप लोग उसमें इतना हिलोगे कि आप लोग वहां पर उसको संभाल नहीं पाओगे।
आज की डेट में मोस्ट इंडियन अगर आप लोग देखेंगे जो मोस्ट हमारी कंट्री के लिए अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जो आज के डेट में जो इश्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में हम लोग अपने आप को कैसे सेट करेंगे ये देखने को मिलेगा। तो पास्ट यहां पर गाइडिंग मीडियम नहीं है हमारे लिए, अगर पास्ट को फॉलो करके चलेंगे, पास्ट में नॉन अलाइंग मूवमेंट में हम लोग आ गए, मल्टी अलाइंगमेंट में हम लोग आ गए, उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा तो हम लोगों ने उसको इग्नोर कर अपनी एक ग्रुपिंग बना ली, उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहे, यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी, कहीं ना कहीं एक पैटर्न पर हम लोग चलते रहे। पर लेकिन आज के डेट में ग्लोबल सिचुएशन कंप्लीटली ऑल्टर हो चुकी है, आप लोग उसके बेस पर आज के डेट में आज के रिलेशन आप लोग अपने तय नहीं कर सकते, इसको आप लोग अलग तरीके से यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री के बीच में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। यूएसए की आप लोग बात कर लीजिए, चाइना के साथ में दुश्मनी बढ़ रही है, रशिया के साथ में दुश्मनी बढ़ रही है, गल्फ रीजन में ईरान के साथ में एक अलग फंडा निकल के आ रहा है, इसी के साथ में गल्फ रीजन की अगर बात करें जहां से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफी डिपेंडेंट है, वहां पर आपस में ईरान के साथ में, कतर के साथ में, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये सारे आपस में वहां पर लड़ रहे हैं, तो कंट्री के बीच में एक अलग ही तरीके का माहौल आज के डेट में बना हुआ है, पहले जैसा माहौल आप लोग नहीं बोल सकते। तो इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरीके ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप लोग किस तरीके से अपने आप को यहां पर रख पाएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक जो ऑर्डर है यहां पर, वैसे बोला जा रहा है कि लिबरल ऑर्डर है, यानी कि नॉर्मली बोला जाता है कि लिबरल ऑर्डर है, लिबरलिज्म है यहां पर, इंक्लूडिंग रशिया और चाइना भी आज की डेट में लगता है कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप लोग बात करेंगे, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वहां पर ये आप लोगों को नजर नहीं आएगा। सीधा सीधा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं यूएसए का, कई सारी आप लोग कंट्री है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तीन कंट्री जो है, चाइना, यूएसए और एशियन अलाई अगर बात करें, ये यहां पर ऐसी कंट्री आज के डेट में हो चुके हैं, ऐसा पोर्शन आज के डेट में हो चुका है जिसके साथ में काम कर आसानी से चलना हमारे लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया वाला जो रीजन है पर्टिकुलर, ये हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रायोरिटी वाला रीजन हमारा देखने को मिलता है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी कुछ ऐसी ही बातें बोली गई, पर लेकिन उनको और ज्यादा अटेंशन यहां पर देने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट डिस्टर्ब एरिया भी आज के डेट में आप लोगों को ये पर्टिकुलर एरिया ही देखने को मिलता है। साउथ एशिया में क्यों ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एशियन कंट्री में क्या ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले के कंपेयर में आज के में जो दोनों के बीच में रिलेशन है वो और ज्यादा खट्टे हो चुके हैं। अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन बनी हुई है वहां पर कोई भी, यहां पर खासकर जो हमारा काफी लार्ज स्केल पर हमारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चलते हैं, और जो आज के बात चली है पाकिस्तान, यूएसए, रशिया और चाइना के बीच में अफगानिस्तान को लेकर, हम लोग उससे एक्सक्लूड है, हम लोग करंट टॉक का पार्टी नहीं है, तो कैसे हम लोग सिचुएशन को यहां पर सुधार पाएंगे। मालदीव के साथ में थोड़े रिलेशन हम लोगों ने सही कर लिए, समझ में आता है, पर लेकिन नेपाल और श्रीलंका का क्या? नेपाल और श्रीलंका बार बार हमसे रूठ जाते हैं, बार बार चाइना का इंटरफेयर यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। इस समय लार्ज स्केल पर चाइना हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, लार्ज स्केल पर बहुत सारी कंट्री इसको कनेक्ट कर चुकी है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी यहां पर ये पार्ट माना जाता है, जो कि हमारे पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया से होकर जाता है। तो किस तरीके से हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे ये भी सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करता है, क्योंकि इंडिया और भूटान को छोड़कर दो कंट्री ऐसी हैं ओनली जो बाकी सभी आज के डेट में वन रोड वन बेल्ट का पार्ट बनती हुई नजर आ रही है। तो ये चैलेंज इंडिया के लिए आने वाले टाइम में और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाले हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे यहां पर टैकल करके चलेंगे ये सोचना पड़ेगा। इंडिया और यूएसए के रिलेशन आज के डेट में अगर देखें वो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि जिस तरीके से कोल्ड में थे, एक नई कोल्ड वार आप लोग बोल सकते हैं यहां पर चल रही है। अगर इंडिया यूएसए के साथ में जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया अलग तरीके से कई सारे अपने दुश्मन बना लेता है जो कि पुराने दोस्त हुआ करते थे। सबसे ऊपर है यहां पर रशिया, रशिया यहां पर काफी अच्छे रिलेशन थे रशिया के साथ में हमारे, हम यूएसए के साथ में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रशिया भी पाकिस्तान की साइड को टिल्टेड हो रहा है, पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है, पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। चाइना के साथ में अगर रिलेशन खराब हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश है, हमारी बाउंड्री टच करती है, पड़ोसी के साथ में रिलेशन बेकार करना अच्छी बात नहीं है। ईरान जो कि हमारा काफी अच्छा सहयोगी रहता है, कई बार ऐसी बात हुई है कि हम लोग अगर ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं तो सबसे सस्ता तेल प्रोवाइड कराते हैं, डॉलर यूज नहीं करना है तो हमारी रूपी में भी व्यापार करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके साथ भी हम लोग कहीं ना कहीं आज के में सिचुएशन में ऐसे हैं। तो जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम लोग एक तरीके से इग्नोर कर यहां पर राइटर देखे, कई सारे राइटर यहां पर ये बोलते हैं कि कुछ पार्ट होना चाहिए, पर लेकिन यहां पर हम लोग को लेकर यह चलना पड़ेगा कि हम लोग को यहां पर पार्टी नहीं बनना है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर कि हम लोग यूएसए के साथ में खड़े हैं, ऐसा हम लोग को पेटेंट नहीं करना है, ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखाना है कि हम लोग यूएसए के अखाड़े में खड़े हुए हैं। पर लेकिन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन यहां पर एक्ट जो अभी यूएसए में बोला गया उसमें इंडिया को एक नॉन नेटो अलाई मेंबर यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इन डायरेक्ट वे में हम लोग अपना पुराना डिफेंस पार्टनर जो कि रशिया है, जो कि लगभग हाफ सेंचुरी से और 1971 की जो वार हुई थी उस टाइम पर उसमें भी हमारे साथ में खड़ा होता कंधे से कंधे मिलाकर, वरना उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ में था यूएसए, तो उस कंट्री को हम लोग कहीं ना कहीं आज के में छोड़ रहे हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। यहां पर कम से कम हम लोग को बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा,
हाँ ये बात अलग है कि ये आसान नहीं है। यूएसए, रसिया और चाइना की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एक दूसरे को देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, एक दूसरे को हटाकर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। पुतिन और चाइना जो आज के देखने को मिलेगा आप लोगों को, यानी कि रसिया और चाइना, वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो पोजिशन है अगर यूएसए के साथ में रहते हैं तो एशिया और यूरेशिया वाले रीजन में हमारे लिए कोई ज्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं बचेगा और कहीं ना कहीं आइसोलेट होने की भी कंडीशन कई बार देखने को मिल जाती है अगर इस तरीके से हम लोग चलते हैं। वांग स्प्रिट में हम लोग दोनों साथ में आए मिलकर, इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने इनफॉर्मल समिट करी, पर लेकिन क्या इनफॉर्मल समिट वो अप टू द मार्क यहां पर काम कर पा रही है? आगे आने वाले टाइम में अगर हम लोग इस तरीके से इनफॉर्मल समिट करते हैं, जो कि नेक्स्ट देखने को मिल रही है, ये अभी वाराणसी में बोला गया, नेक्स्ट जो एक अभी इनफॉर्मल समिट होने वाली है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चाइना के शी जिनपिंग वहां पर मिलने वाले हैं, तो किस तरीके से हम लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? रीजनल और ग्लोबल सिचुएशन एक नया एंगल यहां पर देकर आ रही है एशियन रीजन के लिए, कैसे उसको हैंडल हम लोग करेंगे। इसी के साथ में अगर बात करें विद इन नेक्स्ट डेकेड, चाइना आने वाले टाइम में एक मिलिट्री पावर इतना ज्यादा उभर कर आ रहा है कि यूएसए के नेक्स्ट ओनली चाइना आप लोग खड़ा मिलेगा। इस टाइम पर आज के में हम लोग अलग अलग कंट्री से अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम कितना इंडिपेंडेंट है वो भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। साउथ और ईस्ट चाइना सी में चाइना वैसे ही किसी को पैर नहीं रखने देता है, तो आने वाली जो सेंचुरी होगी वो टेक्नोलॉजी की सेंचुरी होगी, आने वाली जो सेंचुरी होगी वो ताकत की सेंचुरी होगी। अगर उस सेंचुरी में हम लोग अपने आप को ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पावर को ढंग से पोर्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आने वाले टाइम में हमारे लिए इस पर्टिकुलर रीजन में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चाइना आज की डेट में अपने आप को यह समझता है कि उससे बड़ा दादा कोई यहां पर है नहीं है और अपनी ऐसी पॉलिसी एग्रेसिव की लेकर आता है। डोकलाम वाले सेक्टर में आप लोग बात कर लीजिए, इंडिया के सामने आकर खड़ा हो गया, वो तो सिचुएशन को जैसी बन गई कि हाँ नॉर्मलाइज हो गए रिलेशन, वरना उसका कोई मूड ऐसा लग नहीं रहा था। बड़े प्लेयर आज के डेट में जो यहां पर है डिफेंस फील्ड में, यूएस, चाइना, रसिया और इजराइल है, हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, पर लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से डिपेंडेंट रहे तो देखिए सिचुएशन काफी खतरनाक है, क्योंकि इसराइल ईरान से चिढ़ता है, ईरान के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर, रसिया यूएसए की नहीं बनती है, अगर हम रसिया से खरीदते हैं यूएसए चिढ़ता है, यूएसए से खरीदते हैं रसिया से चिढ़ता है, तो ये सारी सिचुएशन को अगर आप लोग ढंग से समझे तो कहीं ना कहीं अगर आज के डेट में नए नए जो क्राइम जोन यहां पर आते जा रहे हैं, जैसे साइबर स्पेस की बात की जाए, ये अलग अलग कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है, तो क्यों ना हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा अपनी खुद की कैपेबिलिटी ऐसी इनहेंस कर लें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, साइबर मेथोडोलॉजी, ये हम लोग अपने ऊपर फोकस देकर स्टार्ट कर दें तो तभी हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना पाएंगे, यानी कि अपने आप को ताकतवर बनाना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर इकोनॉमी जो है आज के में वो एक अलग कंसर्न है, यहाँ पर कहने के लिए तो बोला जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है 2024 तक, पर क्या उस फील्ड में हम लोग इस तरीके से काम करें? इवन ग्रोथ जो है वो आप लोगों को डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है कि हाइपोथेटिकल बातें की जा रही हैं, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन यहां पर निकलता हुआ ना तो इकोनॉमिक सर्वे में नजर आया और ना ही बजट में। बोला जा रहा है कि 8.5 से लेकर 9.5 तक का ग्रोथ लेकर चल रहा है, पर लेकिन ये डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क लगाता है यहां पर, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी देखने को नहीं मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न का रीजन है। जॉब क्रिएशन नहीं देखने को मिल रही है, जॉबलेस ग्रोथ यहां पर निकल आ रहा है, तो किस तरीके से सिचुएशन को आप लोग हैंडल करके चलने वाले हैं? हाई रेट ऑफ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, स्किल लेबर आप लोगों की अगर रहेगी, ग्रेट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का देखने को मिलेगा, तभी यहां पर सॉल्यूशन निकल कर आएगा, पर लेकिन उसके लिए कोई पाथ यहां पर नजर आ ही नहीं रहा है। तो जो बातें आप लोग बोल रहे हैं यहां पर कि हां किस तरीके सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो आप लोग तभी कर पाएंगे अगर आप लोग सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कंप्लीट आर्टिकल, शानदार आर्टिकल आप लोगों के सामने है। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर लिखना है उस ग्रुप में भी दे सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, या फेसबुक पर जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे, ऐसा नहीं है कि कहीं बाइंड आप लोगों के ऊपर कोई चीजें हैं, जहां पर सुटेबल लगे वहां पर आंसर दीजिए, पर एक दूसरे का आंसर एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यहां पर एक किताब के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है यहां पर रिलाइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना यहां पर काफी नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है, यहां पर हमारी सोसाइटी में जो कास्ट है वो काफी प्रोमिनेंट फीचर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये जो किताब है बेसिकली इसका प्रचार यहां पर कर रहे हैं, कास्ट मैटर्स, तो सूरज यंगडे ये इसके राइटर हैं जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और इसी के बारे में यहां पर ये किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो कास्ट से रिलेटेड है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं कि कास्ट मैटर्स ये रिसेंटली अभी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूरज यंगडे के द्वारा। कास्ट आज की डेट में भी अगर आप लोग देखते हैं तो कोई ना कोई पूछ लेता है कि भैया आपकी कास्ट क्या है, कास्ट में आज के डेट में भी हम लोग यहां पर काफी लार्ज स्केल पर कनेक्टेड है। अभी आप लोगों को बात की जा रही है, आर्टिकल 15 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आर्टिकल 15 जो मूवी है उसमें जिस तरीके से बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में आज के डेट में देखने को मिलता है, वो भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर, ये इस पर्टिकुलर एरिया के लोग इस कास्ट के हैं और यहां पर ये वाले लोग इस कास्ट के हैं। आप लोगों ने जो उसका ट्रेलर था उसमें भी बात सुनी होगी किस तरीके से बात की जा रही है
कास्ट को लेकर कि तुम्हारी कौन सी कास्ट है, मेरी ये कास्ट है, इसकी ये कास्ट है, तो यहाँ पर इस कास्ट के साथ में ये काम होता है। तो ये जो सारी बातें यहाँ पर सुनने में आती है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करती है कि जिस बेस पर हमारा संविधान यहाँ पर बनाया गया था, आज की डेट में भी हम लोग उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संविधान है उसमें आप लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि आज की डेट में भी जो पैटर्न बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। संविधान में ये बोला गया था आर्टिकल 15 की अगर बात करें, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहां पर आप लोग पैदा हुए हैं, उसके बेस पर किसी भी इंसान के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पर लेकिन क्या रियलिटी में हम लोग संविधान की चीजें सारी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? इसलिए यहां पर बोला गया कि पार्ट थर्ड में जो भी बातें बोली गई हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की फंडामेंटल राइट है, ये बातें हैं, आर्टिकल 15 बीसी के बीच में आता है, पर लेकिन वो किताबों में ही बातें रह गई हैं, आज के डेट में उनको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करता हुआ कोई ढंग से नजर नहीं आता है। कहने के लिए होती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में एक अलग ही तरीके का रवैया देखने को मिलता है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसे इसको लेकर चलते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक सजेशन मैं जरूर करूंगा आप लोगों, अभी रिसेंटली दो मूवी आई हैं, एक तो सुपर 30 जो कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी और दूसरा आर्टिकल 15। ये मूवी आप लोग जरूर देखेगा, ये एक्चुअल में आप लोगों को एक घिनौना जो चेहरा है सोसाइटी का वो आप लोगों को दिखाता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो पिक्चर की फॉर्म में उसको फिल्माया गया है, तो ऐसी मूवी देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा और आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल एज ए हमारी कंट्री को और ज्यादा बढ़ने वाला है। किस तरीके से आप लोग आगे चलकर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो भी पोस्ट पर आप लोग जाएंगे, किस तरीके से आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्रिएट कर पाएंगे, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी कंट्री में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसको बोलते हैं आप लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। उस टाइम पर बोला गया था कि आने वाले टाइम पर यहां पर 100 स्मार्ट सिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, इसको 100 स्मार्ट सिटी मिशन के नाम से पुकारा गया। पर क्या एक्चुअल में हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो उसी के बारे में यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अब तक अगर आप लोग देखेंगे टोटल मिलाकर यहां पर काफी कम पैसा खर्च किया गया है, यानी कि जो पैसा दिया गया था वो भी खर्च नहीं हुआ और जो प्रोजेक्ट थे 5151 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहां पर। यह बोला गया कि वर्क जो कंप्लीट हुआ है अभी 917 में ओनली हुआ है, बोला गया 5000। यहां पर टेंडर इशू किए गए 801 के और जो अभी यहां पर वर्क यहां पर ऑन गोइंग है वह है 1911, बोला गया था 5000। इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर रुपी की टर्म में आप लोग बात करते हैं तो वर्क कंप्लीट यहां पर देखने को मिल रहा है 14.97, टेंडर के इशू में देखने को मिलेगा यहां पर ये 44.8 और यहां पर वर्क जो ऑन गोइंग है ये 75.17। तो हर लेवल पर आप लोग देखेंगे एक सेटिस्फैक्टरी एक रिजल्ट यहां पर निकल कर नहीं आ रहा है। अप्रूव प्रोजेक्ट जो है वो 48 आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं टोटल, अगर यहां पर रुपी की टर्म में आप लोग बात करते हैं 48,000 करोड़ के। बाकी अगर बात करें एलोकेशन, ये 23 रिलीज किया गया और अनलिस्टेड जो प्रोजेक्ट है अभी ये है। टोटल अगर मोटे मोटे तौर पर देखें आप लोग यहां पर देखेंगे 28 जो सिटीज हैं आज की डेट में वहां पर एक सिंगल प्रोजेक्ट भी अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है जो कि 100 सिटी का नाम यहां पर लिया गया। उनमें से 14 सिटी वहां पर ऐसी हैं जिनमें से ओनली एक प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट हो पाया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलकर चलूं तो लगभग 50% सिटी अब तक यहां पर ऐसी हैं जिनमें अभी कोई ढंग से काम ही नहीं किया गया है। तो ये जो बोला जा रहा है कि जो हवा हवा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाना है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आप लोग यहां पर रियलिटी आप लोगों के सामने यहां पर शो कर रही है। पैसा एलोकेट कर दिया गया है पर लेकिन पैसा यूज नहीं किया जा रहा है, इफेक्टिवली उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है कि कहां कहां पर क्या क्या काम हो रहा है। यह बोला गया था बड़ी ही जल्दी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसको टैकल करने के लिए, पर लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कुछ और ही यहां पर नजर आ रही है। तो यह डेटा पॉइंट आप लोग आइडिया रखिएगा, फायदा आप लोगों को हो सकता है कहीं क्वेश्चन बन जाए। तो न्यूज एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है करतारपुर कॉरिडोर की बात की जा रही है, हमारी कंट्री के ऑफिशियल और पाकिस्तान के ऑफिशियल यहां पर मिले और बात की जा रही है कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। वीजा फ्री ईयर लॉन्ग एक्सिस की बात कर दी गई है दोनों के द्वारा मिलकर। करतारपुर कॉरिडोर यहां पर, करतारपुर यहां पर ये पाकिस्तान में हमारी कंट्री में डेरा बाबा नानक दोनों को कनेक्ट करने की बात कर रहा है रावी रवि के ऊपर, इंडिया और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके होते हुए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है आप लोगों को यहां पर ये बात की जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में, कपिल शर्मा शो से बाहर निकाली दिया गया। इसी के साथ में अभी रिसेंटली इन्होंने जो अब रिजिग्नेशन दे दिया गया पंजाब कैबिनेट से भी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के साथ में इनकी बन नहीं रही थी, बीजेपी के साथ में थे, बीजेपी को छोड़कर यहां पर कांग्रेस में जाकर मिले, अब कांग्रेस में भी इनकी बन नहीं रही है। तो देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है आगे आने वाले टाइम में। क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन आज की डेट में सही हालत में नहीं है। नेक्स्ट जो बात करते हैं ये बात की जा रही है इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे ने बोला है कि वो बने बनाए हुए कोच वगैरह आज के डेट में खरीदेगी, वो यहां पर खुद से इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तीन फैक्ट्री है हमारी कंट्री में, नाम याद रखिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चाइना, वो सॉरी
सॉरी चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री यहां पर रायबरेली, यहां पर रेल कोच फैक्ट्री यहां पर कपूरथला। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट भी आप लोगों के लिए मैच करने के लिए आ सकता है, खासकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि कैसे इसको हैंडल करके चलना है और किस तरीके से यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो आज के दिन में बने बनाए ये जो व्हीकल वगैरह है ये इनके द्वारा खरीदे जाएंगे। बिहार और आसाम के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, लोगों की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि काफी एक तरीके से खतरे में आ चुकी है। अगर बात करें यहां पर बंगाल और आसाम के बीच में, यहां पर ये खासकर कूच बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात की जा रही है, यहां पर लार्ज स्केल पर इंपैक्ट पड़ा है। 32 के करीब जो रिवर है कूच बिहार वाले एरिया में वो ओवरफ्लो हो रही है, जैसे टोरसा, तीस्ता, रेदक, यहां पर दामोदर और यह है कलजनी। तो ये कुछ रिवर के नाम है जिनका आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ये ओवरफ्लो हो रही है आज की डेट में, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ना कोई स्कूल में जा पा रहा है, ना कोई खाना पीना खा पा रहा है, जानवर भी यहां पर पोलों में काफी हैं और इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है जो सेक्सुअल ऑफेंस रिलेटेड जो भी केस आते हैं उनको आज की डेट में भी ढंग से डील नहीं किया जा रहा है। 60 डेज की जो डेडलाइन है वो मिस कर दी जा रही है सारे स्टेट्स के द्वारा। हमारी कंट्री में आज के डेट में बोला जा रहा है ऑलरेडी 664 डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट हैं, जो कि लगभग 2021 पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखते हैं और 1023 नए कोर्ट के प्लान की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सिचुएशन सबसे खराब है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। फाइंड रिपोर्ट जो सबमिट की जा रही है 180 डेज में वो काफी कम है, और जितने केसेस की FIR हो रही है उसके कंपेयर में। तो सोचने वाली बात है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो कि यहां पर बोला जा रहा है कि इफेक्ट में आने वाला है 21 अप्रैल, वो आ चुका है 21 अप्रैल 2018 से, उसमें जो भी बातें बोली गई कि 60 दिन के अंदर अंदर यहां पर सेक्सुअल ऑफेंस केस को सुलझाया जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से, तो उसके हिसाब से बात बोली गई कि बहुत सारे डेडिकेटेड कोर्ट हैं ये बनाने की बात की जा रही है, पर लेकिन क्या रियलिटी में वो रिजल्ट दिख रहा है, तो ये डेटा आप लोग याद रख सकते हैं, ये खुद मिनिस्ट्री के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा बोला गया है कि गंगा की जो डॉल्फिन रिवर है उनको प्रिजर्व करने का प्लान बनाया जा रहा है, उनको रिजर्व करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो जो नेशनल वाटरवेज है कनेक्ट करने की बात की जा रही है हल्दिया और वाराणसी, तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन किसको कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, ये हल्दिया और वाराणसी, पर लेकिन इसी साथ में गंगा डॉल्फिन रिवर को भी यहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट बात की जा रही है लॉ कमीशन के बारे में, 2018 सितंबर के महीने से हमारी कंट्री में लॉ कमीशन नहीं है। ये 21st लॉ कमीशन था जो लास्ट वाला, वो आप लोग याद रखिएगा, ये जो लॉ कमीशन था ये था BS चौहान जी की अध्यक्षता में। अब नेक्स्ट लॉ कमीशन बनाने की बात की जा रही है जो कि हमारी कंट्री में नहीं है, तो देखते हैं कब इसको बनाया जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो लास्ट वाला याद रखिएगा, अभी नेक्स्ट वाला जब आएगा उसके बारे में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहां पर पाकिस्तान को बोला गया कि 6 बिलियन का डैमेज फॉरेन गोल्ड माइनिंग फर्म को उनको यहां पर देना पड़ेगा, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहां पर इसको अभी पैसे देने की बात की गई थी, अब यहां पर इसी के द्वारा बोला गया है कि जो कंपनी है यहां पर यह है टेथियन कॉपर कंपनी, तो यहां पर यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके द्वारा किया गया था माइनिंग प्रोजेक्ट में, पर लेकिन ढंग से काम नहीं कर पाई, तो यहां पर पाकिस्तान के ऊपर इसके लिए अभी पे करने की बात की गई 6 बिलियन, तो इनको खुद ही कटोरा हाथ में, तो कैसी सिचुएशन निकलेगी वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर लाइफ स्टाइल आप लोग चेंज कर लेते हैं तो अल्जाइमर जो डिजीज होते हैं, खासकर बीमारी दिमाग से रिलेटेड जो आप लोग डिमेंशिया की फॉर्म में देखने को मिलता है, इनके चीजों को भूल जाते हैं, उम्र के साथ में बढ़ने लगती है, वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आती है जो कि माइंड को डिस्ट्रॉय करती है, तो उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, लगभग 1256 नई स्पेसिस ऑर्चर्ड, ये क्या है, यहां पर फूल की नई प्रजाति आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इनमें से एंडेमिक जो कैटेगरी में ये 388 है, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले बात करें, इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में, चंडीगढ़ कैपिटल है, फरीदाबाद लार्जेस्ट सिटी है और 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर यहां पर जो है सत्यदेव नारायण आर्य, इसके आज के डेट में गवर्नर हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी के हैं वो आज के डेट में यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर जो है यहां पर ये यूनिकैमरल है, और टोटल मिलाकर 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। एरिया के बेस पर देखेंगे तो 21वें नंबर पर आता है हमारी कंट्री में। रैंक पॉपुलेशन के बेस पर देखेंगे तो 18वें नंबर पर आता है। इसी के साथ में लैंग्वेज हरियाणवी यूज की जाती है, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो हिंदी है, एडिशनल इंग्लिश और पंजाबी भी यूज की जाती है। बाकी अगर बात करें यहां पर HDI जो इंडेक्स है यहां पर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है यहां पर, उसके बारे में अगर बात की जाए
उसमें यहां पर सेवंथ पोजीशन पर है। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर एचडीआई इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम क्या है, ये तीन इंडिकेटर फोकस करकर यहां पर ये निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहां पर ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगर बात करें सेक्स रेशो के हिसाब से तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 879, काफी कम आप लोग बोल सकते हैं यहां पर सेक्स रेशो है पर 1000 बॉयज के हिसाब से गर्ल्स कितनी है हमारी कंट्री में। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर और भी बातें आप लोग जान सकते हैं। ज्वाइंट कैपिटल है चंडीगढ़ यहां पर हरियाणा और इसकी जो हरियाणा और ये पंजाब की, इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ में ये अगर बात की जाए, ये भी ज्वाइंट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ता हूं। ये क्विज आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन यहां पर जो एक्ट है ये किस कंट्री का है, जिसके तहत इंडिया को नॉन अलाइंग नाटो मेंबर बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, रिपोर्ट किसके द्वारा यहां पर पब्लिश की गई, जिसमें बोला गया 2015 में चेन्नई में जो फ्लड आई है वो मैन मेड डिजास्टर है, किसके द्वारा ये बोला गया। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर लगभग 15 लेक खत्म हो चुकी है लास्ट 5 साल में, जो कि सोचने वाली बात है हाईकोर्ट के नोटिस के हिसाब से। इसके अलावा यहां पर बात की जा रही है, ये एक मिशन लॉन्च किया गया जिसको मिशन काकतिया बोला गया, ये किस राज्य के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको सुधारने के लिए, खासकर जो टैंक वगैरह को फिर से भरने के लिए। अगर बात करें यहां पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 30 सालों में लगभग 2050 तक कितनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की सिटी में रहती हुई नजर आएंगी, हाफ, 1/3, 2/3 या फिर कंप्लीट पॉपुलेशन। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है दो उसके बारे में यहां पर अभी कंट्री के बारे में, एक तो है बूंदी और एक और कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्विट कर दिया गया है, यानी कि उनका इसके ऊपर ट्रस्ट उठ गया है। तीन जो रेल फैक्ट्री है हमारी कंट्री में जो बनाती है कोच के डब्बे, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। कोच फैक्ट्री जो है, एक तो है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है और रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है, यह है क्वेश्चन। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा प्लान बनाया गया है गंगा रिवर डॉल्फिन को सेव करने के लिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो बात की जा रही है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे, बात बोली गई थी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर बात माने राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पर 100 वर्कर की कंपनी सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहां पर यह बात बोली गई थी कि प्रोड्यूसर का यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई प्लास्टिक वगैरह है कैसे उसको टैगल करके चलना है। अर्बन वुमेन की बात की गई थी, अर्बन मैन और अर्बन वुमेन, अर्बन मैन ये कितनी कितनी कैटेगरी में आते हैं। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, तो अर्बन वुमेन सबसे ज्यादा कैटेगरी में खराब है, फिर दूसरे नंबर पर मैन, तीसरे नंबर पर फिर रूरल यानी कि गांव वाला मैन, चौथे नंबर पर गांव वाली वुमेन। एस वाई कुरेशी यहां पर हमारी कंट्री के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी एन अनडॉक्यूमेंटेड ये वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास के द्वारा बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के ऊपर काफी रिसर्च की जा रही है लास्ट 4 सालों से, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 190 यहां पर बोलता है कि गवर्नर यहां पर जो बेसिकली पावर दे रखी है स्पीकर के हाथ में कि वो डिसाइड करे कि किस तरीके से यहां पर रिजिग्नेशन दिया गया वो जेन्युइन है या फिर क्या क्या कंडीशन है, तो आर्टिकल 190 यहां पर 190 यहां पर ये काम करता है। अयोध्या डिस्प्यूट को एक तरीके से सुलझा करने के लिए ये FMI कलीफुल्ला रिटायर्ड जज थे, जिनकी अध्यक्षता में एक मीडिएशन पैनल बनाया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी कल आप लोगों की एक वीडियो बनाई गई थी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है लव लाइफ वर्सेस करियर के ऊपर, तो काफी ये प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को, कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किए गए थे, इसको आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कैसे चाहते हैं कि इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम लोग यहां पर जूझते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है, मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, यहां पर आप लोगों को PDF भी मिल जाती है। अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, तो दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगा, शेयर जरूर करना, सेल्फिश नहीं बनना है, यानी कि अपने तक ही चीजें नहीं रखनी है, दूसरों तक जरूर पहुंचाया करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप लोग कनेक्ट हैं, चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और अगर शेयर नहीं करना है तो चीजें जरूर पढ़ा जरूर दीजिए एक बार, ताकि दूसरों तक चीजें पहुंच जाए, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।